नमस्कार, चंद्रा क्लास प्रयागराज में आपका स्वागत है। मैं आई की त्रिपाठी। हम लोग टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के लिए राजनीति विज्ञान में जॉन लॉक को पढ़ रहे हैं, और जॉन लॉक का आज हमें पढ़ना है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। क्या पढ़ना है? जॉन लॉक का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। जॉन लॉक जॉन लॉक का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत का सिद्धांत वास्तव में ये तीनों समझौतावादी विचारकों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो अभी हम रूसो पे नहीं आए हैं, अभी हम जॉन लॉक पर ही हैं, और जॉन लॉक पर हमने कई लेक्चर ले लिए हैं। आज हमें उसका सामाजिक समझौते का सिद्धांत पढ़ना है। तो वास्तव में जॉन लॉक या अन्य सामाजिक समझौतावादी चिंतक क्या कहते हैं कि पूरा मानव इतिहास है जो दो भागों में बटा है। एक है प्राकृतिक अवस्था जो राज्य के पहले की थी, और दूसरा है राजनीतिक अवस्था जो सामाजिक समझौते के बाद आई। जॉन लॉक कहता है कि ये जो सामाजिक समझौता हुआ, इस सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई, और राज्य की उत्पत्ति होने के बाद में फिर सरकार अस्तित्व में आई। लेकिन सबसे पहली बात यह आती है कि राज्य की उत्पत्ति हुई क्यों? क्योंकि जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है वो कैसा है? सहयोग और सद्भावना की अवस्था। पिछली क्लास में हमने इस पर चर्चा की भी है कि जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है वास्तव में कैसी है? सहयोग की अवस्था है, सद्भावना की अवस्था है। लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और वह अवस्था प्राकृतिक कानूनों से संचालित होती है। ये अवस्था क्या है? प्राकृतिक कानूनों से संचालित होती है, प्राकृतिक कानूनों से संचालित होती है। अब जब इतनी बढ़िया अवस्था है जो सहयोग और सद्भावना की अवस्था है, और प्राकृतिक कानूनों से संचालित होती जा रही है, और वो कह रहा है कि इस प्राकृतिक अवस्था में, उसने क्या कहा था कि इस प्राकृतिक अवस्था में समाज था, लोग सद्गुणी हैं, नैतिक हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की विपरीत स्थितियों में साथ देते हैं, भाईचारा है। तो फिर ऐसी जरूरत क्या पड़ गई भाई कि सामाजिक समझौता करके राज्य की उत्पत्ति करें? जैसा चल रहा था चलने देते, जरूरत क्या थी? तो क्या जरूरत थी, ये वास्तव में यहीं छिपा है। प्राकृतिक कानूनों से जो व्यवस्था संचालित हो रही है, इसी प्राकृतिक कानूनों के द्वारा व्यवस्था का जो संचालन हो रहा है, इसी में कहीं ना कहीं ये बात छिपी हुई है कि समझौते का कारण क्या है, क्यों समझौता करना पड़ा। वास्तव में ये प्राकृतिक कानून जो हैं, ये वास्तव में क्या थे? ये नैतिकता के नियम थे। वास्तव में ये प्राकृतिक कानून जो थे ये नैतिकता के नियम थे, क्योंकि लॉक के अनुसार ये नैतिकता के नियम थे प्राकृतिक कानून, क्योंकि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मानव नैतिक है, और हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मानव तार्किक है। तो जब नैतिक मानव है तो नैतिकता के नियम ही बनाएगा, और कोई नियम तो बना नहीं सकता। तो लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था जो है ये प्राकृतिक कानून से संचालित हो रही है, और ये प्राकृतिक कानून वास्तव में नैतिकता के नियम है। इन प्राकृतिक कानूनों को स्पष्ट नहीं किया गया है, ये स्पष्ट नहीं है। नैतिकता के नियम वास्तव में क्या होते हैं कि जो उचित है वह किया जाए। अब ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते कि कहाँ तक उचित है कहाँ तक नहीं है, अर्थात ये जो प्राकृतिक कानून है ये वास्तव में स्पष्ट नहीं थे। और क्यों स्पष्ट नहीं थे? क्योंकि इनको स्पष्ट करने वाली विधायिका नहीं थी उस समय। और विधायिका क्यों नहीं थी? क्योंकि राज्य नहीं था। ये कानून जो है प्राकृतिक कानून, ये वास्तव में पूरी तरह से क्रियान्वित भी नहीं हो पाते थे। क्यों क्रियान्वित नहीं हो पाते थे? क्योंकि इनको क्रियान्वित करने वाली कोई संस्था नहीं थी, अर्थात कार्यपालिका नहीं थी। और ये प्राकृतिक कानून जो है, अगर इन्होंने किसी ने इसका उल्लंघन कर दिया
तो फिर क्या स्थिति होती थी, उसको दंड नहीं दिया जा सकता था क्योंकि उस समय न्यायपालिका नहीं थी। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानूनों से व्यवस्था का संचालन अवश्य होता था, लेकिन ये प्राकृतिक कानून ना तो पूरी तरह से स्पष्ट थे, ना पूरी तरह क्रियान्वित हो पाते थे, और ना ही उल्लंघन होने पर दंड की व्यवस्था थी। ये प्राकृतिक कानूनों की सीमाएं थी। क्या सीमाएं थी? प्राकृतिक कानून प्राकृतिक कानून ठीक, ये प्राकृतिक कानून वास्तव में क्या है? ये हैं नैतिकता के नियम। नैतिकता के नियम ठीक, और ये नैतिकता के नियम है। इसके संदर्भ में समस्याएं क्या क्या हैं? क्या समस्याएं हैं इसके संदर्भ में? क्या समस्याएं हैं इसके संदर्भ में? समस्याएं क्या हैं? समस्याएं क्या क्या थी इसमें? तीन समस्याएं थी। पहली समस्या क्या थी? ये स्पष्ट नहीं थे। पहली समस्या थी ये स्पष्ट नहीं थे, नहीं थे। पहली समस्या थी कि ये स्पष्ट नहीं थे। दूसरी समस्या क्या थी? इनका पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं हो पाता था। इनका पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं हो पाता था। क्रियान्वयन नहीं हो पाता था, नहीं हो पाता था, पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं हो पाता था। और तीसरी समस्या इसमें क्या थी? तीसरी जो समस्या दिखाई देती है वो क्या है कि इनके उल्लंघन पर दंड नहीं दिया जा सकता था। इनके उल्लंघन पर तीसरी समस्या थी, इनके उल्लंघन पर दंड नहीं दिया जा सकता था, नहीं दिया जा सकता था। इनके उल्लंघन पर दंड नहीं दिया जा सकता था, ये तीसरी समस्या थी। इस तरह से जो प्राकृतिक कानून है वास्तव में नैतिकता के नियम है, लेकिन इनमें तीन समस्याएं हैं। क्या समस्या है? ये स्पष्ट नहीं है, इनका पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पाता था, और इनके उल्लंघन पर दंड नहीं दिया जा सकता था। ऐसा क्यों था? वास्तव में ऐसा था क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों था? क्यों था ऐसा? क्योंकि अब क्योंकि में जो कारण जिसके नीचे जो है उसको हम लिख देते हैं, स्पष्ट रूप से यही कारण है। तीनों के कारण क्या क्या हैं? क्योंकि ये स्पष्ट क्यों नहीं थे? क्योंकि विधायिका का अभाव था। विधायिका अगर कोई कानून बनाती है तो पूरी तरह से स्पष्ट रहते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या सीमाएं हैं, इसके उल्लंघन पर क्या क्या दंड दिए जाएंगे, ये किस तरह से क्रियान्वित किए जाएंगे, सारी बातें उस कानून में रहती हैं। लेकिन यहाँ पर विधायिका नहीं थी, इसी कारण ये प्राकृतिक कानून स्पष्ट नहीं थे, क्योंकि विधायिका का अभाव था। विधायिका का अभाव था, विधायिका का अभाव था, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में विधायिका नहीं थी, विधायिका का अभाव था। इसका मतलब है प्राकृतिक अवस्था में विधायिका नहीं थी। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है? इनका पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पाता था। क्रियान्वयन कौन कराता है कानूनों का? कार्यपालिका। लेकिन इस समय कार्यपालिका भी नहीं थी, इस समय कार्यपालिका भी नहीं थी, कार्यपालिका नहीं थी, कार्यपालिका नहीं थी। और तीसरी स्थिति क्या आती है? तीसरी स्थिति क्या आती है? इनके उल्लंघन पर दंड नहीं दिया जा सकता था क्योंकि न्यायपालिका नहीं थी। उल्लंघन पर दंड देने का अधिकार न्यायपालिका को होता है, लेकिन यहाँ न्यायपालिका नहीं थी क्योंकि न्यायपालिका नहीं थी, न्यायपालिका नहीं थी। अब जब विधायिका नहीं है,
इसलिए कानून स्पष्ट नहीं है, कार्यपालिका नहीं है इसलिए कानून पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पा रहे हैं, और न्यायपालिका नहीं है इसलिए उसके उल्लंघन पर दंड नहीं दिया जा सकता। तो क्या होता था कि जिसने इन नियमों का जितना पालन किया ठीक है, नहीं किया तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी तरह से उससे इनका पालन नहीं कराया जा सकता। तो उसका परिणाम क्या होता था कि लॉक ने जो तीन अधिकार बताए, क्या कहा कि प्राकृतिक अवस्था में तीन अधिकार हैं मनुष्य के, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों अधिकार पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पाते थे और इनके अभाव में अव्यवस्था बनी रहती थी। इन असुविधाओं से मुक्ति पाने के लिए लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था सहयोग की अवस्था थी, भाईचारे की अवस्था थी, सकारात्मक स्थिति थी, समाज था उसमें, सब कुछ प्रेम और भाईचारे के साथ संचालित होता था, लेकिन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अभाव के कारण ये प्राकृतिक कानून जो थे ये पूरी तरह से ना तो स्पष्ट थे, ना क्रियान्वित हो पाते थे, ना उल्लंघन होने पर दंड दिया जा सकता था, अर्थात पूरी तरह लागू नहीं थे। इसके कारण अव्यवस्था जो उत्पन्न होती थी, उस अव्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया और राज्य बनाया। आप देखें कैसे उसके अनुसार राज्य बना। वो कहता है कि अब इस प्राकृतिक अवस्था की ये परेशानियां थी, इनसे मुक्ति पाने के लिए मनुष्य ने क्या किया, समझौता किया। वो कहता है इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य ने समझौता किया, और लॉक कहता है कि ये समझौते कुल दो हुए। कहता है समझौते दो हुए, कौन कौन से? कहता है दो समझौते हुए, एक समझौता स्थाई था और दूसरा समझौता अस्थाई था। दूसरा समझौता अस्थाई था। लॉक ने क्या कहा, प्राकृतिक अवस्था जो है उसमें समाज है लेकिन राज्य नहीं है, राज्य के लिए समझौता किया गया और ये समझौते कुल दो हुए हैं, कुल दो समझौते हुए। और ये दो समझौतों में से कौन सा है, एक स्थाई है दूसरा अस्थाई। स्थाई कौन सा है, यह लोगों के मध्य समझौता हुआ। स्थाई समझौता वह है जो लोगों के मध्य हुआ, और इस समझौते का परिणाम क्या हुआ, स्थाई समझौता क्या है जो लोगों के मध्य हुआ और इस समझौते का क्या परिणाम निकला, इसके द्वारा लाग कहता है राज्य की उत्पत्ति हुई या नागरिक समाज की उत्पत्ति हुई। वो कहता है इस समझौते के परिणाम स्वरूप नागरिक समाज या राज्य की उत्पत्ति हुई। इसका परिणाम क्या हुआ, नागरिक समाज या राज्य की उत्पत्ति हुई, या राज्य की उत्पत्ति हुई, नागरिक समाज या राज्य की उत्पत्ति हुई। वो कहता है कि इसका परिणाम ये निकला कि नागरिक समाज या राज्य की उत्पत्ति। आप जान ला क्या कहता है, ये समझौता तो हो गया, राज्य की उत्पत्ति हो गई, लेकिन अभी कुछ कार्य बाकी है। क्या बाकी है, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानूनों के क्रियान्वयन की जो समस्या है वो बनी हुई। क्यों? क्योंकि विधायिका नहीं है, कार्यपालिका नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, तो इसके लिए एक समझौता और होना है। क्या समझौता होना है, सरकार का गठन होना है। वो कहता है ये दूसरा समझौता हुआ, ये समझौता अस्थाई है। उसने कहा ये दूसरा समझौता जो हुआ ये अस्थाई है, ये किसके बीच हुआ, शासक और शासित के बीच, लोगों के और शासकों के बीच हुआ। ये किसके बीच हुआ, शासक और शासित के मध्य। ये किसके बीच हुआ, शासक और शासित के मध्य हुआ। इसका परिणाम क्या निकला, सरकार अस्तित्व में आई, और सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अस्तित्व में आए। इसका परिणाम क्या निकला, सरकार और उसके तीनों अंग
अस्तित्व में आए, अस्तित्व में आए, अस्तित्व में आए। ठीक, ये कौन से तीन अंग अस्तित्व में आए जिनकी कमी थी, कौन से तीन अंग थे जिनकी कमी थी वही तीनों अस्तित्व में आए, कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और न्यायपालिका, और न्यायपालिका। ये तीनों अस्तित्व में आ गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अस्तित्व में आ गए। विधायिका का काम क्या करना है? कानून बनाना, उनको स्पष्ट कर देना। और कार्यपालिका का कार्य क्या है? उन कानूनों को क्रियान्वित करना। और इस तरह से कार्यपालिका क्या करेगी? विधायिका के बनाए कानूनों के अनुसार कार्य करेगी, अर्थात विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी हो गई। इस तरह से सरकार के तीनों अंग अस्तित्व में है। वो कह रहा है यह समझौता अस्थायी है। अस्थायी क्यों है? क्योंकि ये शासक और शासित के बीच हुआ है। और क्यों हुआ है? जिससे कि शासक प्राकृतिक अवस्था के तीनों अधिकारों की रक्षा करे, जीवन के अधिकार, संपत्ति के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार, तीनों अधिकारों की रक्षा करे और प्राकृतिक कानूनों को स्पष्ट करे, उन्हें क्रियान्वित करे और उनके उल्लंघन पर दंड दे। अर्थात प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप अपने कानून बनाए और तीनों अधिकारों की रक्षा करे पूरी तरह से। इसके लिए शासक को शक्तियां दी हैं शासितों ने। और अगर शासक इन कार्यों को करने में असफल रहता है तो शासित फिर क्या कर सकता है? इस समझौते को तोड़ सकता है। अर्थात ये समझौता अस्थायी है, जब चाहे तोड़ दे, अर्थात नई सरकार का गठन कर ले। तो इस तरह से जॉन लॉक ने दो प्रकार के समझौतों की कल्पना की है, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। लॉक क्या कहता है कि समझौते दो हुए, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। इस तरह से उसके समझौते की विशेषताएं जो हैं वो निकल के सामने आती हैं। कौन कौन सी हम देख लें। जॉन लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषताएं, जॉन लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषताएं, सामाजिक समझौते की विशेषताएं। की विशेषताएं जॉन लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषता कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली विशेषता क्या है? समझौते में स्पष्ट दिखाई दे गई कि समझौते कुल दो प्रकार के हुए, एक स्थाई और दूसरा अस्थाई। स्थाई समझौता किसके बीच हुआ? लोगों के बीच हुआ, और इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए स्थाई है, क्योंकि इसे तोड़ने का अर्थ है फिर से प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाना, अर्थात इस समझौते को किसी भी स्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। दूसरा समझौता क्या है? शासक और शासितों के बीच हुआ या लोगों और शासकों के बीच हुआ, ये समझौता अस्थाई है क्योंकि इसे कभी भी तोड़ा जा सकता है, तोड़ के नई सरकार बनाई जा सकती है। क्योंकि ये समझौता केवल इसलिए किया गया है कि उन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हो सके और प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप सरकार काम करे, कानून बनाए। अगर वह उनके अनुरूप कार्य नहीं करती, उनके अनुरूप कानून नहीं बनाती, तो उस समझौते को तोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से क्या हुआ? समझौता, समझौते दो हुए, दो हुए। एक बात आई, समझौते दो हुए, कौन कौन से? समझौते दो हुए, पहला स्थाई समझौता, स्थाई समझौता, और दूसरा ये किसके बीच हुआ? लोगों के बीच हुआ। और दूसरा अस्थाई समझौता, ये शासक और शासितों के बीच हुआ, इसको कभी भी तोड़ा जा सकता है, अस्थाई समझौता।
ये कभी भी तोड़ा जा सकता है, यह शासक और शासित के बीच हुआ। ठीक, दूसरी बात क्या है, ये जो समझौता है, दूसरी बात है समझौता है लोगों के बीच आपसी सहमति से हो, किसी दबाववश नहीं हुआ। ये जो समझौते हुए हैं ये लोगों के बीच आपसी सहमति से हुए हैं, ना कि किसी दबाववश हुए हैं। दूसरा क्या है, समझौते या समझौता, समझौता लोगों के बीच आपसी सहमत से हुए, आपसी सहमत से हुए, सहमति से हुए, लोगों के बीच आपसी सहमत से हुए, ना कि किसी दबाव के कारण हुए। अब अगली बात क्या निकल के आती है, तीसरी बात क्या निकल के आती है कि इस समझौते से क्या हुआ, सरकार जो है, सरकार की स्थापना हुई, और सरकार की स्थापना वाला समझौता कैसा है, अस्थायी है, अर्थात इस समझौते को कभी भी तोड़ा जा सकता है, अर्थात सरकार बदली जा सकती है, सरकार जनता के कल्याण के लिए काम करेगी, और जब तक कल्याण के लिए काम करेगी तब तक काम करती रहेगी, और जब जनता के कल्याण के लिए काम नहीं करेगी तो इसे बदला जा सकता है। इसीलिए जॉन लॉक ने एक बात कही थी कि सरकार जनता के प्रति ट्रस्ट है, ये बात कही थी कि सरकार जनता के प्रति ट्रस्ट है। लॉक कहता है, लॉक कहता है कि सरकार जनता के प्रति ट्रस्ट है, जनता के प्रति ट्रस्ट है, प्रति ट्रस्ट है, जनता के प्रति ट्रस्ट है। क्यों क्यों कहता है ऐसा, क्योंकि सरकार का काम लोगों का कल्याण करना है, जनता की सुरक्षा करना है, क्योंकि सरकार का कार्य, क्योंकि सरकार का कार्य जन कल्याण और जन सुरक्षा है, सरकार का काम जन कल्याण और जन सुरक्षा है। और जन सुरक्षा, और जन सुरक्षा, जन सुरक्षा। ठीक, ये मुख्य विशेषताएं हैं। इसके अलावा एक विशेषता और है, वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जॉन लॉक ने इसके द्वारा दो सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत क्या है कि उसने सरकार के तीनों अंगों की स्थापना की, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंगों की स्थापना की, और इस तरह से वह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की शुरुआत कर दे रहा है या नींव डाल दे रहा है। दूसरा बात है, उसने सरकार को एक ट्रस्ट बताया, अर्थात सरकार के तीनों अंगों में विधायिका कानून बनाएगी और उन्हीं कानूनों के अनुरूप कार्यपालिका काम करेगी, अर्थात कार्यपालिका को इसने विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया, और संसदीय शासन की ये नींव डाल देता है, और सीमित सरकार की नींव डालता है, क्योंकि ये कहता है कि सरकार का काम वास्तव में लोगों का कल्याण करना है और प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है, प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप कानून बनाना है, अर्थात यह सीमित और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करता है। इस तरह से यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की शुरुआत करता है और सीमित और उत्तरदायी शासन की शुरुआत करता है। आगे देख लें, चौथा, चौथी विशेषता, यहाँ कोने में हम विशेषता तो लिख ही दें, विशेषताएं जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विशेषताएं। ठीक, अब इसमें नंबर चार डाल दें। नंबर चार में क्या है, इसके द्वारा लॉक दो प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना करता है। इसके द्वारा लॉक दो प्रमुख सिद्धांतों, दो प्रमुख सिद्धांतों
की स्थापना करता है, दो प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना करता है, स्थापना करता है, दो प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना कर रहा है। कौन कौन सी कर रहा है, एक एक करके देख लें। पहली कौन सी है, नंबर एक है वह सरकार के तीनों अंगों की स्थापना कर दे रहा है। पहली कौन सी है, सरकार के तीनों अंगों की स्थापना करके शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की शुरुआत कर रहा है। पहली है सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों की स्थापना कर रहा है और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की शुरुआत कर रहा है, और उसी के साथ क्या कर रहा है, कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दे रहा है और संसदीय शासन की नींव रख रहा है। पहली बात क्या कर रहा है, यह सरकार के तीनों अंगों, सरकार के तीनों अंगों कौन कौन से तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्थापना करके शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की शुरुआत करता है, और न्यायपालिका की स्थापना करके शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की शुरुआत करता है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की शुरुआत करता है, शुरुआत कर रहा है, ठीक, शुरुआत करता है। अब इसी के अंतर्गत है ये, पहले में ही ये पार्ट हम इसको मान सकते हैं, और इसमें पहले में ही इसको बी पार्ट मान लेंगे, पहले में ही इसको हम बी पार्ट मान लेंगे। बी पार्ट क्या है, वह कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाकर सीमित संसदीय शासन की नींव रखता है। दूसरी बात क्या करता है, कार्यपालिका को, विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाकर संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है, संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। तो इस तरह से ये इसके दो सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत हम मान सकते हैं। पहले सिद्धांत में ही दो पार्ट हैं कि ये शक्ति पृथक्करण की शुरुआत कर दे रहा है। वास्तव में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया, लेकिन ये उसकी नींव रख दे रहा है। और दूसरा क्या है, ये संसदीय शासन प्रणाली की नींव रख रहा है, ये संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना कर दे रहा है, क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका के प्रति ये उत्तरदायी बना दे रहा है। अब दूसरा क्या है, दूसरा यह है सीमित सरकार की यह स्थापना कर रहा है। दूसरा सिद्धांत क्या है,
दूसरा सिद्धांत क्या है, ये क्या कर रहा है, ये सरकार के कार्य निर्धारित कर दे रहा है कि सरकार का काम क्या है, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना और प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप कानून बनाना, अर्थात ये सीमित सरकार की बात कर दे रहा है। इसने क्या कहा, ये कहता है, दूसरी बात कहता है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरी दूसरी स्थिति क्या है, ये कह रहा है कि वास्तव में इस अवस्था में भी तीनों प्राकृतिक अधिकार बने रहेंगे, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, और सरकार को इन अधिकारों की रक्षा करनी है। तो इस तरह से वह सीमित सरकार की, सीमित शासन की, सीमित शासन या सीमित सरकार की स्थापना कर रहा है। ये वास्तव में क्या कर रहा है, सीमित सरकार की स्थापना कर रहा है, सीमित सरकार की स्थापना कर रहा है, सीमित सरकार की स्थापना करता है। दूसरा सिद्धांत यह है, सीमित सरकार की स्थापना करता, कैसे करता है, कैसे कर रहा है ये सीमित सरकार की स्थापना, इसको हम देख लें, ये किस तरह से सीमित सरकार की स्थापना कर रहा है, कैसे कर रहा है। पहली बात ये क्या कहता है, पहली बात कहता है कि इस अवस्था में व्यक्ति के तीनों प्राकृतिक अधिकार बने रहेंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है, क्योंकि पहली बात कह रहा है कि इस अवस्था में, इस अवस्था में व्यक्ति के तीनों प्राकृतिक अधिकार बने रहेंगे। तीनों प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। इस अवस्था में व्यक्ति के तीनों प्राकृतिक अधिकार बने रहेंगे, व्यक्ति के तीनों प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या कह रहा है, इस अवस्था में व्यक्ति के तीनों प्राकृतिक अधिकार बने रहेंगे। ये तीनों प्राकृतिक अधिकार वास्तव में वो कह रहा है, ये तीनों प्राकृतिक अधिकार बने रहेंगे, बने रहेंगे। इस तरह से अब क्या है कि सरकार वास्तव में इन प्राकृतिक अधिकारों के अनुरूप ही कार्य करेगी, प्राकृतिक अधिकारों के विपरीत जाके काम नहीं करेगी। और इस अवस्था में वो क्या कहता है कि सरकार प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप कानून बनाएगी। क्या कह रहा है, सरकार प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप, प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप कानून बनाएगी, कानून बनाएगी, बनाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, सरकार बहुत सीमित है, सरकार फ्री हो नहीं है कि जो चाहे सो करे। सरकार को इन तीनों अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून बनाना है और सरकार को प्राकृतिक अधिकारों के अनुरूप कानून बनाना है। इसका मतलब यह है कि जो सरकार है वो कैसी होगी, सीमित होगी, यह अपनी मर्जी से बहुत अधिक कानून नहीं बना सकती कि जो चाहे वो कानून बनाए, इसकी अपनी सीमाएं होंगी। अब इन बातों से क्या स्पष्ट होता है कि जॉन लॉक ने समाज, राज्य और सरकार तीनों में अंतर किया है। इनसे एक बात स्पष्ट हो जाती है, क्या होती है, जॉन लॉक ने, लॉक ने क्या किया, समाज, राज्य और सरकार, और सरकार में अंतर किया है, में अंतर किया है। कैसे किया है भाई, कैसे किया है,
इसको हम फिर से लिख दें यहाँ पे अच्छी तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लिखें लॉक ने, इसका मतलब लॉक ने समाज राज्य और सरकार में अंतर किया, में अंतर किया, में अंतर किया। कैसे अंतर किया, समाज राज्य और सरकार में अंतर किया है, कैसे अंतर किया है इसको समझ लें। समाज किसको कहा इन्होंने, प्राकृतिक अवस्था में समाज है, कहते हैं प्राकृतिक अवस्था जो है, प्राकृतिक अवस्था में समाज है, इस प्राकृतिक अवस्था में समाज। राज्य के बारे में उन्होंने क्या कहा, ये राज्य कब आता है, लोगों के बीच समझौते के द्वारा, लोगों के मध्य समझौते के द्वारा, समझौते के द्वारा, ठीक, समझौते के द्वारा अस्तित्व में आता है, ठीक। और तीसरी स्थिति क्या है, सरकार की, वो क्या कहते हैं, ये शासक और शासित के मध्य समझौते के द्वारा आता है, शासक और शासित, और शासित के मध्य समझौते के द्वारा अस्तित्व में आता है, के मध्य समझौते के द्वारा अस्तित्व में आता है, समझौते के द्वारा, ठीक, अस्तित्व में आता है, ठीक। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा, समाज राज्य और सरकार तीनों में अंतर किया है। तो ये वास्तव में जॉन लॉक का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। अब इसी के साथ हम पढ़ लें कि राज्य के बारे में जॉन लॉक के विचार क्या हैं, तो ये चीज पूरी लगभग कंप्लीट हो जाती है कि राज्य के बारे में जॉन लॉक के विचार क्या हैं। राज्य के संदर्भ में लॉक के विचार, राज्य के संदर्भ में लॉक के विचार, ठीक, अर्थात राज्य के बारे में उन्होंने क्या क्या विचार दिए हैं, इनको एक एक करके हमें पढ़ लेना। वो क्या कहते हैं कि राज्य अस्तित्व में कैसे आया, समझौते के द्वारा अस्तित्व में आया, और समझौता कैसा है, सहमति पर आधारित है, लोगों की सहमति पर आधारित है, जबरदस्ती में नहीं हुआ समझौता, लोगों की सहमति पर आधारित है, अर्थात राज्य वास्तव में लोगों की सहमति का परिणाम है, वास्तव में क्या है, राज्य लोगों की सहमति का परिणाम है, या राज्य लोगों की सहमति पर आधारित है। पहला, राज्य लोगों की सहमति पर आधारित है, लोगों की सहमति पर आधारित है, सहमति पर आधारित है, पहली बात है, राज्य लोगों की सहमति पर आधारित है, सबसे नंबर एक। दूसरी बात क्या है, उन्होंने कहा कि राज्य सीमित होगा क्योंकि उसको प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने वाला है और प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप कानून बनाना है, अर्थात राज्य सीमित है, मर्यादित है। नंबर दो क्या है, राज्य सीमित है, सीमित और मर्यादित है, राज्य सीमित और मर्यादित होता है, सीमित और मर्यादित होता है, मर्यादित होता है, राज्य सीमित और मर्यादित होता है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, राज्य का काम क्या है, लोगों का कल्याण करना, राज जन कल्याण पर आधारित है, अर्थात तीसरा बात क्या है, राज कल्याण पर आधारित है या जन कल्याण पर आधारित है। तीसरी विशेषता क्या है, राज्य जन कल्याण का साधन है, राज्य जन कल्याण का साधन है, राज्य जन कल्याण का साधन है, ठीक। चौथी बात क्या निकल के आती है कि राज्य का स्वरूप वैधानिक है क्योंकि राज्य वास्तव में लोगों की सहमति पर आया है और विधिक स्वरूप रखता है, अर्थात राज्य का स्वरूप वैधानिक,
राज्य का स्वरूप वैधानिक है। राज्य का स्वरूप वैधानिक है। राज्य का स्वरूप वैधानिक है। अगली बात और अंतिम बात क्या होता है कि राज्य सहमति पर आधारित होने के कारण राज्य में सहिष्णुता होती है। अगली है और अंतिम है, राज्य में सहिष्णुता होती है। राज्य में सहिष्णुता होती है। सहिष्णुता होती है। होती है। तो इस तरह से जॉन लॉक के अनुसार राज्य की पर जो जॉन लॉक के विचार हैं या राज्य की विशेषताएं हैं वो ये क्लियर हो गई। तो इस तरह से आज हमने क्या क्या पढ़ा, प्राकृतिक कानून, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक कानून क्या है, नैतिकता के नियम उनको पढ़ा, जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो पढ़ा, और राज्य पर उसके क्या विचार हैं या उसके अनुसार राज्य की विशेषताएं हैं क्या पढ़ा। अब इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है और अगले टॉपिक से हम एक और सामाजिक समझौतावादी चिंतक पढ़ेंगे, जीन जैकस रूसो या रूसो को पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम रूसो पर चर्चा करेंगे और आज की क्लास आपको निश्चित रूप से आपकी ये जो TGT PGT 2022 की परीक्षा होने वाली है इसके लिए लाभकारी होगी। थैंक यू।